न्यूज और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगा जनसत्ता दल। हारने वाला दल लगाता है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। रामपुर मैनपुरी और खतौली उपचुनाव को लेकर दिया बयान। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया श्री राम के उपासक। आगामी समय में प्रदेश की राजनीति में दिखेगा बड़ा बदलाव। जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव ब्रजेश सिंह रावजावत पहुंचे थे कोंच, पत्रकारों से कर रहे थे वार्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगा जनसत्ता दल। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया श्री राम के उपासक। आगामी समय में प्रदेश की राजनीति में दिखेगा बड़ा बदलाव। हारने वाला दल लगाता है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। रामपुर मैनपुरी और खतौली उपचुनाव को लेकर दिया बयान। जालौन मेट्रो कोच तहसील संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट। जब प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई, जनसत्ता दल का क्या रुख है? देखिए, चुनाव जो भी हो, हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी की तैयारी करता है। जनसत्ता दल ने भी कई जगह पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उनको पूरे दमखम के साथ लगा रही है। आज रामपुर मैनपुरी और खतौली में उपचुनाव हुआ है। मुख्य विपक्षी दल आरोप लगा रही कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता इस सब्जेक्ट को, लेकिन फिर भी अक्सर कर ये होता है, जब कोई हारने लगता है तो यही एक आरोप लगाता है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है या ईवीएम में परेशानी है। ये सारे मुद्दे राजनीतिकरण के होते हैं। तो जनसत्ता दल कहीं ना कहीं अपनी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, कहीं शांति रह रहे हैं, क्या सत्ता दल से कोई ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई उनकी? देखिए, ये एक आरोप नहीं, एक प्रश्न के रूप में हम ले सकते हैं। बिना न माना जलत जड़ गए तीन दिन बीत। शुरुआत में विनयशील बनना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक परचायक होता है। हमारे चूंकि राजा भैया रामचंद्र जी के उपासक हैं और उनका रोल भी वही है, आपने देखा होगा विधानसभा में उन्होंने जो परसों वक्तव्य दिया है वह अवश्यनीय अकल्पनीय है, तो उसी के रूप में आप इसकी परलक्षता देखेंगे विधानसभा इलेक्शन में कि कौन कितने में दमखम में है। अरे, अभी आपने एक बयान दिया था कि एक महीने के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव आने वाले समय में हर चीज़ का समय पर उसका उपयोग होता है। सदा तुरैया ना बन फूले यारो सदना सावन हो, हर समय पे वो चीज़ नहीं की जा सकती है, आने वाले समय पे आप देखेंगे बदलाव जरूर। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।